गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ घनश्याम दास शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। टुडे वी लेट्स स्टडी अबाउट क्वांटम केमिस्ट्री बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। कॉम्पटन इफेक्ट के बाद में जीवन प्रभाव पड़ा है। कॉम्पटन इफेक्ट ये कहता है कि एक्सरे रेडिएशन का प्रकीर्णन होने के बाद में तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। जीवन इफेक्ट ये कहता है कि जब स्पेक्ट्रम लाइंस को चुंबकीय क्षेत्र में देखा जाता है तो उनकी स्प्लिटिंग होती है। अब बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्टडी करते हैं। तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की स्टडी में बोर ने किसको अपना आधार बनाया, क्या क्या उसने अपने पोस्टुलेट चुने, इस चीज का विस्तृत अध्ययन हम आज करेंगे। निल्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को आधार बनाया और उन्होंने बताया कि उत्सर्जन या अवशोषण होने वाली ऊर्जा कंटिन्यूस नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होती है और ऊर्जा के इन पैकेट्स को अपन क्वांटम कहते हैं। क्वांटम की ऊर्जा एच न्यू के बराबर होती। पहले भी अपन इसके बारे में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता चुके हैं कि एक क्वांटम की जो ऊर्जा है वो एच न्यू के इक्विवेलेंट होती है। बोर मॉडल ने कुछ पोस्टुलेट लिए अपने, जिनके बारे में हम यह पढ़ रहे हैं। फर्स्ट उन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित स्थायी वृत्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ये चुंबक के विकिरणों के रूप में ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। इन कक्षों में जब चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो ये विद्युत चुंबक के विकिरणों के रूप में ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। बोर ने इन वृत्ताकार कक्षकों को कक्षा या स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दिया। जब इलेक्ट्रॉन इनमें कंटिन्यूस मूव करता है तो इस पर दो फोर्स काम करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एवं परमाणु नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स। सेकंड, बार की तरफ लगने वाला अपकेंद्रीय बल। दो बल हो गए, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों जो फोर्स हैं एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ में निश्चित रूप से चक्कर लगाता रहता है। जो सेकंड इन्होंने पोस्टुलेट दिया वो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π के बहु समाकलन या पूर्ण गुणज हो। अर्थात नाभिक के चारों ओर तो बहुत से वृत्ताकार पथ होंगे लेकिन ये उसी वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा और ऐसे इस पथ को कक्षा नाम दिया इन्होंने। और इसकी जो वैल्यू है कोणीय संवेग की वो mvr=nh/2π के इक्विवेलेंट होती है। अर्थात h/2π का जो पूर्ण गुणज है n मल्टीप्लाई हो रहा है और n की वैल्यू हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। ये ध्यान रखने की बात है। और तीसरा इन्होंने जो पोस्टुलेट दिया है वो ये दिया है कि स्थायी वृत्ताकार कक्षकों में निश्चित ऊर्जा होती है।
स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन्हें ऊर्जा तल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं और इनको अपन डायरेक्ट ऑर्बिट भी नाम देते हैं। नाभिक से ऊर्जा स्तर की दूरी बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है और अनंत पर ऊर्जा का मान शून्य होता है। यदि परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु उत्तेजित हो जाता है। ये चौथा पोस्टुलेट उन्होंने चुना कि जब परमाणु को ऊर्जा देंगे तो परमाणु उत्तेजित होगा। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो जाता है। ये अवस्था अस्थायी होती है। लोअर एनर्जी लेवल से जब एनर्जी गेन करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो हायर एनर्जी लेवल उसके लिए अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है और वो सस्टेनेबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा तल से अपने मूल ऊर्जा स्तर में गिरकर स्थायित्व प्राप्त करता है, अर्थात ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी गेन करके चला जाता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होने के कारण पुनः ये लोअर एनर्जी लेवल में लौटता है और वहीं ये स्थायी होता है। इस प्रक्रिया में अवशोषित ऊर्जा का प्रकाश या फोटोन के रूप में उत्सर्जन करता है। इस प्रकार से ही स्पेक्ट्रम रेखा का निर्माण होता है और इस प्रकाश की ऊर्जा को क्लांग समीकरण के द्वारा निम्न प्रकार दिया जा सकता है। देखिए यहाँ इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, ये डेल ई इजकल टू ई टू माइनस ई वन। हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी ऊर्जा देन सब्ट्रैक्ट लोअर एनर्जी लेवल की ऊर्जा, तो ई टू माइनस ई वन। और अपन इसको प्लैंक इक्वेशन के रूप में भी बता सकते हैं कि ई इजकल टू एच न्यू, ई इजकल टू एच न्यू, ये प्लैंक इक्वेशन भी है और यही एनर्जी का गैप की इक्विवेलेंट भी है। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो उसकी ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है वो प्लैंक इक्वेशन देती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरूप का जो उपयोग है वो क्या है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तंत्र है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल कार्य करता है नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल, फर्स्ट जो फोर्स है वो कौन सा है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और जिसका मान ये दिया हुआ है के जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। और सेकंड जो फोर्स है वो है अपकेंद्रीय बल, जिसका मान होता है एम वी स्क्वायर बटा आर, एम वी स्क्वायर बटा आर। और उपरोक्त दोनों प्रकार के बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः यदि इनका मान समान हो जाए तो ये एक दूसरे को संतुलित कर देंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर घूमता रहेगा। तो ये दोनों फोर्स जब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इजकल टू एम वी स्क्वायर बटा आर, या अपन लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर बटा आर इजकल टू एम वी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी बनती है। इसमें क्या है? जेड ई स्क्वायर बटा आर इजकल टू एम वी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है दोनों फोर्स को बराबर करने से बनती है। और इसके पश्चात जो अपन ने पहले पढ़ा है कि कोणीय जो संवेग है वो एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है, तो यहाँ पूर्ण गुणज के लिए एन रखते हैं, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती है, तो एन एच अपॉन टू पाई किसके इक्विवेलेंट है? एम वी आर के। और एम वी आर के इक्विवेलेंट होने से जब यहाँ से अपन जो वी की वैल्यू है वो वी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी।
आर की वैल्यू का मतलब है रेडियस की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। और जो त्रिज्या की वैल्यू प्राप्त होती है उसका जो मान है वो है, इक्वेशन में दिया हुआ है ये वाला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम ई स्क्वायर जेड। ये वैल्यू है जिसको अपन आर की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या है, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम ई स्क्वायर जेड। यहाँ पे एन जो है ऑर्बिटल्स को बताता है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, 4π दोनों कॉन्स्टेंट राशि हैं, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी कॉन्स्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये भी कॉन्स्टेंट है, जेड ये वेरिएबल है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये जेड इजकल टू भी 1 ही होता है। अतः इसी इक्वेशन में अपन एच स्क्वायर अपॉन 4π एम ई स्क्वायर को ए 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपनी इक्वेशन निकल के आती है आर बराबर एन स्क्वायर अपॉन जेड ए 0। क्योंकि ए 0 की जो भी राशियां इसमें हैं सारी कॉन्स्टेंट हैं, इनका पुट वैल्यू इंसर्ट कर देंगे इनकी, और अपने पास में एन स्क्वायर अपॉन जेड, अगर फर्स्ट सेल का निकालना है तो एन इजकल टू 1, जेड परमानेंटली 1 हाइड्रोजन आइटम के लिए, और सेकेंड सेल के लिए निकालेंगे तो एन इजकल टू 2, थर्ड सेल के लिए निकालेंगे तो एन इजकल टू 3। इस प्रकार से हम रेडियस की कैलकुलेशन कर लेंगे। जो अपनी इक्वेशन है आर इजकल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए 0, इस इक्वेशन में एन की जो वैल्यू है अपन फर्स्ट सेल के लिए 1, सेकेंड सेल के लिए 2, थर्ड सेल के लिए 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जेड इज परमानेंटली 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। इसलिए जो वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी, तो देखिए जो ए 0 की वैल्यू आती है उसका जो मान है वो आता है 0.529 एंगस्ट्रम। ये आता है अपने पास में फर्स्ट सेल की रेडियस की वैल्यू, किसकी वैल्यू आती है, फर्स्ट सेल की रेडियस की वैल्यू आती है। देखिए इसमें यह वैल्यू दी हुई है, ए के मान सभी मान, ए के मान में अपना ए के बराबर क्या था, एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम ई स्क्वायर ये था, और यहाँ पे ये जब ए के सभी राशियों के मान इंसर्ट कर देते हैं तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है 0.529 एंगस्ट्रम आती है। और इस वैल्यू को जब अपन आर इजकल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड और ए 0 में रखते हैं तो ये वैल्यू आती है आर इजकल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। फॉर हाइड्रोजन एटम एन इजकल टू 1 एंड जेड इजकल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रम। देखिए ये वैल्यू निकल के आती है अपने पास में, क्योंकि अपने पास में आर इजकल टू है 0.529 एंगस्ट्रम, और ये जो है एन स्क्वायर अपॉन जेड है, एन इजकल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट सेल, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो हमेशा फर्स्ट सेल में रहता है, एंड जेड इजकल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो वैल्यू जब एन अपॉन जेड में 1 1 इंसर्ट करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो आर इजकल टू 0.529 एंगस्ट्रम, आर इजकल टू 0.529 एंगस्ट्रम ही आती है। ये वैल्यू अपने पास में फर्स्ट सेल की रेडियस की है हाइड्रोजन एटम की। इस प्रकार से हम अन्य कक्षाओं की त्रिज्या का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यदि हाइड्रोजन एटम के लिए अन्य
ऑर्बिट्स की रेडियस कैलकुलेट करनी होती है तो केवल आर इज इक्वल टू आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, क्योंकि जेड इज इक्वल टू 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये रेडियस जो है डिपेंड करती है सेल के स्क्वायर पर। इट मीन्स जो आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम जो वैल्यू है, और उसमें यदि एन का मान 2 रखा जाए तो 2 की पावर 2 होगा। तो ये वैल्यू फिर जो निकल के आएगी 529 × 4। तो इट मीन्स जो सेकंड जो सेल है उसकी जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो आएगी 9 × 36 = 3 और 8 × 2 = 16 और 4 × 2 = 8 और 3 = 11 और 5 × 20 = 21। इट मीन्स ये वैल्यू अपने सेकंड ऑर्बिटल की ऑर्बिट की आ गई है। और ये वैल्यू है ये 2.116 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से हम वेरियस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इस प्रकार से जो कैलकुलेट होती है वो है v इज इक्वल टू 2πa² / h / z / n। यहाँ 2πa² / h कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ओनली z / n है। फॉर हाइड्रोजन एटम z, देखिए अपने पास में जो वैल्यू है वो है v इज इक्वल टू z / n। मेन इस पे डिपेंड है क्योंकि जो दूसरी वैल्यू है 2πa² / h, इसका जो मान है वो डिपेंड करता है, परमानेंट वैल्यू है ये, और इसका परमानेंट वैल्यू का जो वैल्यू है इंसर्ट करने के बाद में ओनली वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी z / n पे। और z इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है और n का जो मान है वो अपन सेल के हिसाब से रखते जाएंगे और वेलोसिटी आ जाएगी। तो फाइनली जो वेलोसिटी अपने डिपेंड करेगी हाइड्रोजन एटम के लिए वो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/n पे करेगी, ये डिपेंड करती है। लेट्स लव इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। चूँकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, और स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू इज इक्वल टू -Ze² / r प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। तो टोटल जो वैल्यू है वो निकल के आती है इज इक्वल टू 2π² me^4 Z² / n² h² ये जो वैल्यू दी गई है। तो जो एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है वो है, तो इसमें -2π² me^4 Z² / n² h² इस पर। अब इस वाले फॉर्मूले में अपने को पता है कि कुछ ऐसी राशियां जो कॉन्स्टेंट हैं, केवल जो एनर्जी की वैल्यू है वो हाइड्रोजन एटम के लिए डिपेंड करती है, वो है 1/n² और अदर जो भी इसमें राशियां हैं वो कॉन्स्टेंट हैं 2π² me^4 Z / h² ये वैल्यू हैं अपने पास में। तो इनमें सभी में जो है कॉन्स्टेंट राशियां हैं ये, और इनका वैल्यू रखने से अपने पास में केवल एनर्जी जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करती है ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इट मीन्स एनर्जी भी किस पर डिपेंड करती है, सेल के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। इस प्रकार से विभिन्न एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।
और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान ऋणात्मक होते हैं और वे नाभिक के आकर्षण बल से बंधे होते हैं। यदि इसको इतनी ऊर्जा उपलब्ध करा दी जाए कि वह नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाए तो इस ऊर्जा को आयनन ऊर्जापन कहते हैं और मुक्त होकर यह शून्य ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। तो किसी परमाणु को के लिए कोष का मान बढ़ने से उसकी ऊर्जा के ऋणात्मक मान में कमी आती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान शून्य होगा। शून्य ऊर्जा का अर्थ है इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ नहीं होगा। इस प्रकार से जो बोर की एनर्जी की कैलकुलेशन डेल ई थी वो डेल ई इजकल टू ई एन टू माइनस ई एन वन, इट मीन्स हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी। और जब इसमें वैल्यू एनर्जी लेवल के हिसाब से इंसर्ट करते हैं तो ये फाइंड आउट होता है कि ई इजकल टू एम ई टू पाई स्क्वायर एम ई की पावर फोर जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। हेयर जेड इजकल टू वन तो ई इजकल टू टू पाई स्क्वायर एम ई की पावर फोर अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट वन अपॉन वन का स्क्वायर एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। और वन अपॉन लैम्डा इजकल टू न्यू बार होता है, अर्थात जो वेव लेंथ है वो वेव नंबर के इन्वर्सली होती है और ये डेली अपॉन सी एच के बराबर है और ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो फाइनली वेव नंबर न्यू बार इजकल टू आता है आर एच ब्रैकेट वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। यहाँ आर एच रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है और इसका जो वैल्यू है वो 109737 सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, जो इसके प्रैक्टिकल वैल्यू 109678 सेंटीमीटर इन्वर्स से काफ़ी मेल खाता है। तो इस प्रकार से जो आर एच का वैल्यू है वो 2 पाई स्क्वायर एम ए की पावर 4 सी एच की क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आज का जो स्टडी किया है उसमें एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी है उसकी गणना अपन आसानी से कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स प्राप्त होती हैं वो निम्न श्रेणी प्राप्त हुई जिनमें एन वन का मान तो निश्चित है तथा एन टू का मान जो है हमेशा एन वन से अधिक होता है, वो निम्न प्रकार से होती हैं लाइमन बामर पर्सन ब्रेक्ट फंड। और एन वन का मान इनमें 1, 2, 3, 4, 5 और एन टू का मान फर्स्ट लाइमन के लिए 2, 3, 4 सेकंड बामर के लिए 3, 4, 5 थर्ड पर्सन के लिए 4, 5, 6 ब्रैकेट के लिए 5, 6, 7 और फंड के लिए 6, 7, 8। और इनका जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र प्राप्त होता है वो पराबैंगनी दृश्य अवरक्त अर्थात अल्ट्रावायलेट विजिबल। और देखिए ये जो है फर्स्ट वाला जो लाइमन लाइन आता है वो अल्ट्रावायलेट में आता है, सेकंड वाला जो है वो प्राप्त होता है विजिबल जोन में, लेकिन लास्ट जो थ्री लाइन्स अपने को प्राप्त होती हैं पास ब्रेक फंड ये तीनों इंफ्रारेड जोन में प्राप्त होती हैं। इट मीन्स वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तृत से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, ओके बाय।